हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल यादव। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड क्या होती है, मतलब बेसिक्स पढ़े थे हमने एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड के। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। देखिए, हम बेसिकली के और एफ को लेके चले थे कि के एफ की एक्सटेंशन होती है। के और एफ, के यहाँ पे क्या होती है, एक्सटेंशन होती है सब फील्ड एफ की। आप के को वेक्टर स्पेस से रिलेट करके चल सकते हो, मतलब आपकी एक्सटेंशन को, आप एक्सटेंशन की डेफिनेशन को एज ए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ रिलेट करके चल सकते हो। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं। वेक्टर स्पेस में भी क्या होता है, जो आपका के होता है, अगर हम के और एफ में देखें तो जो आपका के होता है आप उसको वेक्टर स्पेस ओवर एफ भी बोल सकते हो। तो अगर आज हमें डिग्री की बात करनी है तो उसको भी हम वेक्टर स्पेस से ही रिलेट करके चलेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ के एज ए वेक्टर स्पेस। देखिए, इसमें भी बोला एज ए वेक्टर स्पेस, मतलब एज ए वेक्टर स्पेस जो भी डायमेंशन होती है के की। डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस में डायमेंशन होती है उस फील्ड के बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ के, यानी कि मतलब उस फील्ड की डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन ऑफ के एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ के ओवर एफ। हमारी एक्सटेंशन में, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, जो डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस में के की एफ के ऊपर, वही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के ओवर एफ। डिग्री को डिनोट करते हैं के रेशियो एफ से। यहाँ पे जो एक्सटेंशन होती है उसको पहले लिखा जाता है और जिसके ऊपर होती है उसको बाद में लिखा जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर, या आप ऐसे बोल सकते हो, जो सब फील्ड होता है वो बाद में लिखा जाता है और जो फील्ड होता है वो पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आप एक्सटेंशन को डायमेंशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हो दो टाइप से, एक तो फाइनाइट एक्सटेंशन और एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप दो टाइप से एक्सटेंशन बोल सकते हो। तो नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, जिस एक्सटेंशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, जिस एक्सटेंशन की डिग्री फाइनाइट होएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, फाइनाइट एक्सटेंशन। और जिस एक्सटेंशन की डिग्री इनफाइनाइट होएगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एक्सटेंशन। सिंपल सी बात है। तो फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, उसके बेसिस में, यानी कि के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट। यहाँ पे हम एन लेके चल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इस के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन। तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन, यानी कि फाइनाइट एक्सटेंशन। उसके बाद ये सिंपल सा नोट लिख रखे क्या, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन को, मतलब वही बात बता रखी है, आप एक्सटेंशन को वेक्टर स्पेस से रिलेट करके चल सकते हो। यहाँ पे के एफ की एक्सटेंशन होती है एलजेब्रा के अंदर, और लिनियर एलजेब्रा के जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, कि यहाँ पे के क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है एफ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेक्टर स्पेस के रिजल्ट के रिगार्डिंग हर फील्ड खुद के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है हमेशा। सेम यहाँ पे, हर फील्ड खुद के ऊपर हमेशा एक्सटेंशन फॉर्म करेगा। कोई भी फील्ड एफ है वो एफ के ऊपर एक्सटेंशन बनाएगा हमेशा, के है वो के ऊपर भी एक्सटेंशन बनाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन होती क्या थी, मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करनी चाहिए उस सेट से बड़े वाले सेट सेट में, यानी कि फील्ड में, तो मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएगी सिंपली। तो हर फील्ड खुद के ऊपर क्या फॉर्म करता है, एक्सटेंशन, जैसे कि हर फील्ड खुद के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो देखिए, उसके बाद सिंपल सी बात है, डिग्री खुद के ऊपर हमेशा कितनी होगी, वन। डिग्री ऑफ एफ ओवर एफ, मतलब खुद की खुद के साथ डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। और डिग्री ऑफ के ओवर के क्या हो जाएगी, वन। ये भी सेम फील्ड ले रखा है, यहाँ पे भी सेम फील्ड, आप कुछ भी ले सकते हो। सेम फील्ड की डिग्री खुद, मतलब खुद की खुद के ऊपर डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स, वन। उसके बाद देखिए रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ का, क्या है, अगर आपकी डिग्री वन है, अगर आपकी डिग्री वन है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन वन है, तो आपका जो के है और एफ वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, मस्ट बी इक्वल, यानी कि आपकी जो एक्सटेंशन है और आपका जो सब फील्ड है वो दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल। एक्सटेंशन के ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगी उस सब फील्ड के जिसके ऊपर वो एक्सटेंशन है, या फिर अगर वो दोनों इक्वल है तो उनकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, अगर वो दोनों इक्वल है तो उनकी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वन। उसके बाद अगर डिग्री एक से बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, या तो एक होगी या एक से बड़ी, क्योंकि एक से छोटी डिग्री हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है डिग्री का एक से छोटा होना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम एक से ज्यादा डिग्री तो होनी चाहिए। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, तो के ओवर एफ, यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन अगर एक से बड़ी है तो मस्ट भी वो के क्या हो जाएगा, बड़ा होएगा, किससे, एफ से, यानी कि अनइक्वल होएगा, बड़ा तो होता ही है ये, एफ क्या होता है, सब फील्ड होता है एफ का, बस वन के केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन एफ। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल करते हैं, क्या है एग्जाम्पल, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आर के ऊपर कितनी आएगी स्टूडेंट्स, टू। मतलब कॉम्प्लेक्स को एज ए वेक्टर स्पेस अगर रीड करें हम, तो कॉम्प्लेक्स के सेट में मतलब इसकी इसका जो बेसिस है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, टू, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, टू, मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, टू। बेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सबसेट होता है उस फील्ड का, मतलब यानी कि इस फील्ड का सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट से आप इस कंप्लीट सेट को जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन कंप्लीट एलिमेंट से आप इस कंप्लीट सेट को जनरेट कर सकते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बेसिस क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोच के देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे तीन प्लस चार आइटा है, तो तीन प्लस चार आइटा को बनाने में मतलब किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ी, मोस्टली तो आइटा की, और किस किस स्टूडेंट्स, वन की, क्योंकि जो आगे स्केलर्स होते हैं, जैसे तीन और चार यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर्स, वो हमेशा कहाँ से ले जाते हैं, रियल के सेट से, तो सारे स्केलर्स तो मिल जाएंगे हमें, सिर्फ आइटा नहीं मिलेगा, तो हमें बेसिस के लिए यानी कि सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स के जनरेट करने के लिए मोस्टली आइटा की जरूरत रहती है, तो बेसिस में क्या होना चाहिए, आइटा, और जो रियल नंबर होता है पांच, जैसे कि तीन प्लस चार आइटा बोला था हमने, तो तीन के लिए किसकी जरूरत आएगी, वन की, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन तीन की किसके साथ करानी पड़ेगी, वन के साथ, और आइटा के लिए हमने क्या ले लिया, चार आइटा, तो हमारे पास आइटा होना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आइटा तो होना ही चाहिए हमारे पास। तो उसके बाद देखिए बोल रहा है कि इसका बेसिस क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स सेट का, एज वी नो दैट बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस सी ओवर फील्ड ऑफ रियल्स इज वन और आइटा। सिंपल आपको पता है कि जो बेसिस होता है कॉम्प्लेक्स का वो क्या होता है, वन और आइटा, दैट इज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी जनरेटेड बाई दिस सेट। मैं इतनी देर से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस सेट से, ये सेट सबसेट होता है हमेशा इसका अपने मतलब वेक्टर स्पेस का, तो इस सेट से आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के सेट को जनरेट कर सकते हो, यही होता है बेसिस, और इसमें कितने एलिमेंट स्टूडेंट्स, टू, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, टू। उसके बाद देखिए डेफिनेशन है ट्रांसेंडेंटल नंबर, ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए नंबर वो रियल या कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है, ए नंबर इज सेट टू बी ट्रांसेंडेंटल। हम किसी नंबर को ट्रांसेंडेंटल कब बोलेंगे, इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलीनोमियल ओवर रेशनल्स, मतलब जो पॉलीनोमियल है आपकी वो किसके ऊपर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, रेशनल्स के ऊपर। देखिए मैंने एक पॉलीनोमियल कंसीडर की है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स रेज टू एन, पॉलीनोमियल ओवर रेशनल्स का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, ओवर रेशनल्स का मतलब क्या है, ये जो पॉलीनोमियल है इसके अंदर जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए नॉट ए वन, ये जो कोफिशियंट्स हैं एक्स के एक्स स्क्वायर के, ये सभी किससे आने चाहिए, सेट ऑफ रेशनल से। अगर ये बोलता कि पॉलीनोमियल ओवर रियल्स, तो ये सारे कॉन्स्टेंट किससे आने चाहिए स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रियल से। अगर पॉलीनोमियल ओवर नेचुरल्स बोले तो ये सारे कॉन्स्टेंट किससे आने चाहिए स्टूडेंट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब इसने बोला है कि पॉलीनोमियल ओवर रेशनल्स, तो ये सारे कॉन्स्टेंट किससे आएंगे स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रेशनल से, यही होती है पॉलीनोमियल ओवर रेशनल्स। तो हम किसी नंबर को ट्रांसेंडेंटल नंबर कब बोलेंगे, जब वो किसी भी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई ना करे वो नंबर, और वो पॉलीनोमियल किसके ऊपर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई और हमारा जो एक्सपोनेंशियल नंबर था ई, तो पाई या फिर आइलर नंबर बोल सकते हैं ई, तो पाई को क्या बताया गया है, ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है, बिकॉज पाई सेट ऑफ रेशनल्स पे किसी भी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, तो पाई क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर। उसके बाद नोट स्टूडेंट्स, एवरी ट्रांसेंडेंटल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर एक ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज इसका कन्वर्स क्या आएगा कि एवरी इरेशनल नंबर इज एन ट्रांसेंडेंटल नंबर, मतलब हर एक इरेशनल नंबर जो होता है ना वो एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है, कि जो हर एक इरेशनल नंबर है वो पॉलीनोमियल ओवर सेट ऑफ रेशनल्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, किसी भी पॉलीनोमियल को। लेकिन देखिए हमने काउंटर एग्जांपल ले रखा है, रूट थ्री क्या है स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर है, आप सभी को पता है रूट थ्री इरेशनल नंबर है, लेकिन ये
ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, वन, और ये कितना है, माइनस थ्री। वन और माइनस थ्री दोनों किससे जा रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल्स, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ रेशनल्स होगी हमारी। और ये जो रूट थ्री है ये इस पॉलिनोमियल को क्या करता है स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई। बिकॉज देखिए रूट थ्री पुट करके देखना, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो रूट थ्री इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, और ऊपर से एक रेशनल नंबर है, अगर और ये पॉलिनोमियल ऑफ रेशनल को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये कैसा नंबर नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है कि एवरी इरेशनल नंबर ट्रांसेंडेंटल हो, ये बात जरूरी नहीं है। बट हर एक ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर होता है डेफिनेटली। तो उसके बाद देखिए R ओवर Q, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन R ओवर Q कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। मतलब ये जो सेट ऑफ रियल्स होता है और सेट ऑफ रेशनल्स होता है, जो रियल्स एक्सटेंशन फॉर्म होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स की Q के ऊपर, वो हमेशा कैसी एक्सटेंशन होती है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए R ओवर Q इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। हम इस रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब हम फाइनाइट एक्सटेंशन लेके चलेंगे और उसको इनफाइनाइट प्रूव कर देंगे। ये एग्जांपल मैं ऊपर भी ले सकता था जब एक्सटेंशन की बात आई, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्रांसेंडेंटल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे इस बीच में हमने ट्रांसेंडेंटल का कंसेप्ट पढ़ा है कि क्या होता है ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव करने की इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन की इनफाइनाइट। हम मान के चल पड़े डिग्री है फाइनाइट, दैट इज एन मान के चल पड़े हम, यानी कि इस आर के बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एन एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने बेसिस का रिजल्ट पढ़ा है कि जो बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे एक ज्यादा एलिमेंट अगर हम ले लें उसके अंदर, तो उन एलिमेंट्स का सेट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एल डी हो जाता है। पहले वो क्या होते हैं, तो अगर हम बेसिस में एक भी एलिमेंट ज्यादा बढ़ा दें तो वो सेट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एल डी हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेसिस ऑफ आर ओवर क्यू कंटेन्स एन एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि उसके बेसिस में एन एलिमेंट्स है, तो कोई भी सबसेट आर का जिसमें एन प्लस वन एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, हमने पाई एक रियल नंबर चूज कर लिया सेट ऑफ रियल से, क्योंकि पाई इसका नंबर है। तो उसके बाद इसकी पावर्स भी उसी के अंदर मिलेंगी, वन पाई पाई स्क्वायर अप टू पाई रेज़ टू एन, उनका एक सेट हमने ले लिया, पाई की जीरो से लेके nth पावर तक सेट कंसिडर कर लिया। ये आर का सबसेट है ऑब्वियसली, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, एन प्लस वन, तो ये ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि हमने एन प्लस वन एलिमेंट्स का सेट लिया है। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, तो क्यू से हमें स्केलर्स मिलेंगे, वेक्टर स्पेस का रिजल्ट लगा रहे हैं हम बेसिस का, देखिए तो क्यू से हमें स्केलर्स मिलेंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा इज एन प्लस वन, नॉट ऑल जीरो, लीनियरली डिपेंडेंट का रिजल्ट है स्टूडेंट्स। अगर ये इनमें से मतलब सभी जीरो हो जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक भी नॉन जीरो मिलता है तो क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने लैम्डा इस प्रकार से चूज किए हैं कि सारे क्या है स्टूडेंट्स, मतलब एक तो उनमें से नॉन जीरो है। उसके बाद देखिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने, वन से लेके पाई की nth पावर का और इन लैम्डास का, तो लैम्डा वन इंटू वन, लैम्डा टू इंटू पाई, लैम्डा थ्री इंटू पाई स्क्वायर अप टू, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल रखा, जीरो के इक्वल। उसके बाद इस पाई की जगह आप एक बार एक्स मान के चलिए, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा वन इंटू वन, लैम्डा टू इंटू एक्स, लैम्डा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू लैम्डा एन प्लस वन रेज़ टू एक्स रेज़ टू पावर एन। मतलब ये एक पॉलिनोमियल बनेगी जिसको पाई ने सेटिस्फाई कर दिया, और जहाँ पे ये आपके स्केलर्स किससे आ रहे स्टूडेंट्स, क्यों से, रेशनल्स के सेट से। लेकिन पीछे हम पढ़ के आए थे कि जो पाई होता है वो एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा ओवर रेशनल्स, और ये तो एक पॉलिनोमियल थी ओवर रेशनल्स, क्योंकि जो स्केलर्स थे वो किससे आए थे, रेशनल्स के सेट से। लेकिन ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज पाई क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी ये चीज हमें इम्प्लाइज कर रही है कि पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। पाई क्या होता है, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर जो कि रेशनल्स के सेट पे किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन ये रिजल्ट हमें क्या दिखा रहा है कि पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज पाई क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो हमारी सपोजिशन जो थी कि डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू क्या है फाइनाइट, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट प्रूव, सॉरी हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि जो आर की एक्सटेंशन है, आर एक्सटेंशन है क्यू के ऊपर, उसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो।